कल मैं दीपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था और मुझे बहुत हैरानी हुई कि अन्य संगठनों के कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसे इतना बड़ा दिखाया गया, इतना शोकेस किया गया। मुझे हैरानी होती है और अचंभा इस बात का होता है कि कई कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद और हाल फिलहाल में राज्यसभा के एमपी हैं, वो झूठ को किस तरह से प्रोजेक्ट कर करके दिखाते हैं, कितना बड़ा दिखाते हैं। ये कांग्रेस, राहुल गांधी और उनकी टीम, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों की एक बड़ी हकीकत रही है। कल एक साथी है, उसका नाम लिया गया, हमारा साथी नहीं है वो संगठन का, पर एक नौजवान है जिसका नाम लिया गया कि वो इनसो से कांग्रेस पार्टी में गया। 2003 से लेकर के आज 2022 का सितंबर चल रहा है, मैंने कल से लेकर आज तक सारा डाटा, सारे रिकॉर्ड चेक करवाए। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि जिसका नाम लिया जा रहा है कि वो इनसो के सदस्य रहे, वो इनसो में कभी थे ही नहीं और ना ही हमारे किसी संगठन से वो जुड़े। जिनका नाम लिया गया, मैं अगर उनका नाम बताऊं, रमेश साई एडवोकेट, इसमें लिखा जाता है कांग्रेस का ऑफिशियल वो है, जो क्या कहते हैं, प्रेस नोट है। रमेश साई एडवोकेट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा एवं अध्यक्ष इनसो। पूरी लिस्ट में अब दीपेंद्र हुड्डा जी को यह दिखाना था कि जेजेपी का भी हमको तोड़ के लाए हैं, जो कि उनके लिए बड़ा असंभव है, और इनसो का सिपाही तोड़ना, तो ये तो चर्चा है पूरे हरियाणा में कि इनसो के नौजवान को तोड़ना तो इम्पॉसिबल के नजदीक है। इसलिए एक लंबी चौड़ी गाथा बना करके और उसके पीछे अध्यक्ष इनसो लिखा गया। मैं चैलेंज करता हूं आपके कैमरे के मार्फिक कि बताएं दीपेंद्र हुड्डा कल वो कितना बड़ा झूठ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने बोल रहे थे, इस बात का जवाब दें। नहीं तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि उन्होंने गलत जानकारी मीडिया के सामने रखी है। मुझे तो हैरानी यह भी है कि वो अन्य संगठन के जो साथी थे, अन्य संगठन के लोगों को भी ये चेक करवाना चाहिए कि कहीं ऐसा ही तो नहीं जो उन्होंने इनसो के एक साथी के बारे में कहा, जो कोई इनसो का कभी साथी नहीं था, हमारा कभी अध्यक्ष नहीं था, और तीन बार उनके मुंह से मैंने सुना इनसो इनसो इनसो। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि इनसो का कितना बड़ा फोबिया दीपेंद्र हुड्डा के मन में है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, दीपेंद्र जी, आप इनसो के एक भी साथी को, क्योंकि वो साथी संगठनात्मक तौर से ज्यादा पारिवारिक तौर पर इस परिवार से, इस इनसो से जुड़ा है, उसको कभी तोड़ नहीं सकते। इनसो का साथी इनसो का रहेगा, और जिस दिन मेरा चैलेंज स्वीकारेंगे और जहां की यूनिट कहेंगे, मैं उनकी एनएसयूआई के यूनिट के उतने ही आदमी अपने संगठन में शामिल करके दिखवाऊंगा। तो इस बात का जवाब दीपेंद्र हुड्डा दें, हमें बताएं कि उन्होंने कल झूठ क्यों बोला। नंबर टू, पंजाब विश्वविद्यालय के चुनाव निकट भविष्य में अनाउंस हो जाएंगे, हम पूरी तरह उन चुनावों के लिए तैयार हैं, समय समय पर मीटिंग्स जारी हैं, आज भी उनकी मीटिंग्स का दौर जारी था। मुझे विश्वास है कि इस बार इतिहास हम रचाने में कामयाब रहेंगे। अध्यक्ष के पद पर आज तक हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार हमारी तैयारी और जितनी मेहनत साथियों ने की है, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि अध्यक्ष के पद पर ना केवल हम लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और इस बार जीत हमारी होगी। सभी कॉलेजेस में पूरा पैनल हमारा जीत करके आएगा और युवा शक्ति एक नई हुंकार चंडीगढ़, जो कि राजधानी है हरियाणा की, उसमें अपना बिगुल बजा करके अपने झंडे को ऊंचा करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये दो ही विषय थे, एक तो मेरा प्रश्न है और एक आज के चुनावों पर मैंने आपसे चर्चा की, इसके अलावा आपके जो कोई प्रश्न है उस पर जवाब। उन्होंने कहा उसके साथ एक
प्रेस नोट जारी हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, और उस प्रेस नोट में रमेश साईं एडवोकेट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा एवं इनसो अध्यक्ष, और मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इस प्रेस नोट पर जाएं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम रिवाइंड करके सुनेंगे तो बार बार दीपेंद्र हुड्डा ने एक ही बात कही, इनसो। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैं चलती हुई गाड़ी में मोबाइल फोन पर उनका सुन रहा था, उन्होंने जब इनसो का नाम लिया तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, थोड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने अपनी रिसर्च की और उस रिसर्च के उस पर मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि ऐसा साथी हमारे संगठन का कभी कोई पदाधिकारी था ही नहीं, और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि वो ये प्रूव करें कि हमारा पदाधिकारी था, अन्यथा वो माफी मांगे इसके लिए कि उन्होंने गलत जानकारी लोगों के सामने, हरियाणा की जनता के सामने और मीडिया के सामने रखी। एक सर, इसके अलावा कल चौटाला सिरसा में कह रहे थे कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती नेशनल मजदूर मनाने जा रही है, लेकिन जननायक जनता पार्टी उनके नाम पर केवल वोट लेती है और अब उनका उनका सम्मान तक भूल गई है और अब पूरी तरह से जेजेपी खत्म हो गई। जिस पार्टी का नाम जननायक हो, जिस पार्टी की मूल आत्मा जननायक हो, जननायक के विचार हों, और जिस पार्टी का कार्यकर्ता जननायक की सोच पर हरियाणा की सेवा कर रहा हो, उसके लिए कोई ऐसा कहे तो यह हास्यास्पद है। मैंने पिछले वर्ष आप लोगों से मिलकर के एक बात कही थी जब जींद में इनेलो वालों की रैली थी, सेम प्रश्न उन्होंने मेरे सामने उठाया था और मैं उसका उत्तर भी वो ही दूंगा जो मैंने पिछले वर्ष दिया था। जब तक आदरणीय सम्माननीय हमारे लीडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, हम उनके सामने उस कैपेसिटी में कोई रैली करें जिसका कंपैरिजन मीडिया के अंदर हो, ये हमें शोभा नहीं देता। किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई कंपैरिजन हो और वो चौटाला साहब के साथ हो, चौटाला साहब उस रैली के मुख्य वक्ता हो और हम कोई रैली करें, ये कहीं से भी हमारे सिद्धांत हमें अलाउ नहीं करते। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी का नाम अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के बराबर है। चौधरी देवीलाल जी के नाम पर अभय सिंह जी जैसा कल कह रहे थे कि वो तो फूल माला पौधारोपण फल फ्रूट बांटेंगे, अभय सिंह जी ये पूछना चाहता हूं आपसे और आपकी राजनीतिक समझ से कि चौधरी देवीलाल के नाम पर अगर कोई फल फ्रूट बांट रहा है क्या आपको परेशानी है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि उनकी मूर्ति पर कोई माल्यार्पण कर रहा है तो आपको परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? चौधरी देवीलाल अभय सिंह जी आपके और आपकी पार्टी के नहीं हो सकते, वो समूचे हिंदुस्तान के हैं और समूची दुनिया में बसने वाले किसान और कमेरे के लीडर हैं, आइडल हैं। वो किसी एक पार्टी के एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। उनके नाम पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक जो भी कार्यक्रम हो, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं आज अप्रिशिएट करता हूं कि जो फतेहाबाद में वो रैली कर रहे हैं चौधरी देवीलाल जी के नाम से, अच्छी बात है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रम करने चाहिए जगहों पर, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में मननी चाहिए चौधरी देवीलाल जी की जयंती, और हम भी मनाएंगे चौधरी देवीलाल जी की जयंती, मगर अपने स्टाइल से मनाएंगे, चाहे माल्यार्पण कर करके मनाएं, चाहे पौधारोपण कर करके मनाएं, चाहे गरीबों की मदद कर करके मनाएं, चाहे ब्लड डोनेट कर करके मनाएं। अरे आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप चौधरी देवीलाल जी की सीमाओं को, उनकी सोच की सीमाओं को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, चौधरी देवीलाल जी को अपनी पार्टी का सिर्फ ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप उनकी सोच को फैलाना नहीं चाहते। इसलिए मैं उनसे कहूंगा दोबारा ऐसी बात ना कहें, लोग इस पर हंसते हैं, लोग आपको सीरियस पहले ही नहीं लेते, और ऐसी बात अगर आप करेंगे, और मैं देख रहा था कि फिर से काफी गुस्सा वो हुए, तो वैसे तो ये अच्छी बात है क्योंकि उनकी पार्टी का नुकसान है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। सर,
दिग्विजय एक सवाल पंचायत चुनाव को लेकर है, बीजेपी ने जिन नेताओं को प्रभारी बनाया था जिलों का, उन्होंने तो अपना फीडबैक अपनी पार्टी को दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया, आप लोगों ने भी अपने नेता को जिम्मेदारी लगाई थी, क्या फिलहाल जेजेपी की तैयारी? हमारे संगठन की बहुत जरूरी मीटिंग कल है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष महोदय और सभी लोग, जिला के अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी रिपोर्ट्स उसमें सबमिट कर करके और आगे कैसे बढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। एक समन्वय समिति बनाने की बात की गई, जेपी नड्डा जी जब यहाँ आए थे, तो आपकी वो समिति बन गई? हम क्योंकि नए प्रभारी बीजेपी के आए हैं, जल्द उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद उस समिति का गठन करेंगे। एक आप लगातार दिग्विजय जी विपक्ष को भी चैलेंज कर रहे हैं आदर ग्रुप चुनाव को लेकर कि विपक्ष को अपना एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि फारूक अब्दुल्ला जी से लेकर के कश्मीर से चर्चा शुरू होती है, मुलायम सिंह जी, नीतीश कुमार जी, तेलुगु देशम पार्टी के लोग और नीचे AIADMK तक के लोगों की चर्चा हो रही है, फतेहाबाद में आएंगे, बड़ा सब कुछ होगा और हम तो देख रहे हैं पुराना इतिहास बता रहा है। अगर ये मानते हैं कि ये रियलिस्टिक है तो फिर लोकसभा के चुनावों का इंतजार क्यों करें? किसी भी बड़े टेस्ट से पहले उसका मॉक टेस्ट कर लेना चाहिए। तो मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो जाए, जैसा आजकल इनेलो वालों की ठंडी नजर कांग्रेस की तरफ है, जो चौटाला साहब के गुनेगार हैं, अजय सिंह जी के गुनेगार हैं, उनको आजकल बड़ा प्यार करते हैं इनेलो वाले, तो उसमें उनको भी शामिल कर लें, आम आदमी को भी शामिल कर लें और ये कश्मीर से शुरू हो जाए, जितनी पार्टियां हैं सब मिलकर के एक कैंडिडेट आदमपुर में उतार लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हमारा गठबंधन जीतेगा या वो जीतेंगे ये लोग तय कर लेंगे। अगर वो आदमपुर नहीं जीत सकते तो वो देश क्या जीतेंगे और बड़ी क्रांति कैसे आएगी, ये अपने आप में एक सोचने की बात हो जाएगी। दिग्विजय जी, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात और कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, हमारी सरकार आएगी? हुड्डा जी 2012 का जवाब दें कि परिवार पहचान पत्र पर जो कानून 2 लाख तक का लाए थे वो हुड्डा जी क्यों लाए थे, इस बात का जवाब दें। जो कानून वो लाए थे हम उसकी सीमा बढ़वाएंगे, 2 लाख नहीं, उसकी सीमा 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख होनी चाहिए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और जल्द सरकार उस पर फैसला लेगी। लेकिन सर इसके बावजूद आप देख नहीं रहे जगह जगह पर बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, 102 साल का एक बुजुर्ग जिस तरीके से नवीन जैन डीसी ऑफिस लेके पहुंचे? मैंने कहा जिस बुजुर्ग की भी पेंशन कटी है उसको सम्मान के साथ जितनी कटी है वो भी और ब्याज समेत उसको मिलेगी, हम पेंशन नहीं कटने देंगे, हम प्रतिबद्ध। जब जब भी इनेलो कोई रैली करती है तो इस तरह का शगुफा छोड़ देती है और शगुफा छोड़ने के बाद, क्योंकि मैं एक बात और मानता हूं कि पोलाइटनेस होनी चाहिए राजनीति और हम पोलाइट लोग हैं, मगर उसके बाद जब इस तरह के बयान उनके आते हैं जो कल परसों में आया है, ये सबको चौंका देता है, हैरान कर देता है और अभय सिंह जी का असली रूप सामने आ जाता है। इसी वजह से वो पार्टी आज गर्त में है। चौटाला साहब को आज भी हम लीडर मानते हैं, मगर उस पार्टी का असली लीडर जो है उसकी वजह से वो पार्टी गर्त में है। इसलिए पोलाइटनेस होनी चाहिए, कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस पोलाइटनेस राजनीति में होनी चाहिए, नरमाई होनी चाहिए, नरम पेड़ जो होता है वो कहते हैं, बड़ा वृक्ष जो होता है वो झुकता है। वो ये कह रहे हैं कि वो लूट करके ले गए हमारा सामान। मुझे पहले ये समझाइए इन वर्बेटम कि हमें पार्टी से निकाला था या हम पार्टी छोड़ करके गए थे। वो लोगों को ना समझ समझते हैं। आपके कैमरे के अंदर जो रील है इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। मैं कहता हूं आप ही इसको दोहरा करके इतिहास पर जाइए। पार्टी से निष्कासित किया था डॉक्टर साहब को भी, दुष्यंत जी को भी, हम सबको भी। उसके बाद हमने एक फैसला लिया था और उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो लोग अलग हुए हैं या जिनको निष्कासित किया है ये शून्य हो जाएंगे। हम शून्य से शुरू हुए थे जींद में और 19% वोट तक गए, वो 27-28% वोट से 1% वोट पर आए। तो उस बात की टी अभय सिंह जी को है और जब कभी भी वो सोते हैं जागते हैं उन्हें दुष्यंत ही नजर आते हैं, इसके सिवाय
कोई दूसरी बात नहीं।